यहाँ पर आने वाले लोकसभा 2024 के लिए बजाने के लिए लगातार तैयार हैं। उनके लिए बिल्कुल नहीं सोच रही है। तो हमारा ये उनको आश्वासन किसानों को है कि इंडिया जब हमारी सरकार बनेगी किसानों के साथ न्याय होगा और जो भाव सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है उस पे लागत पे 50% उनको लाभ मिलेगा। सर इंडिया बनाम भाजपा, भाजपा वालों कहते हैं हमारा एक चेहरा, इंडिया के बहुत चेहरे, क्या सोच है किस तरह से आप बदलाव करेंगे सर? देखिए ऐसा नहीं कि इतने बड़े देश को एक आदमी चला रहा है, मंत्रिमंडल में और भी प्रभावी नेता होते हैं, सरकार में शामिल एक पूरा तंत्र होता है, लेकिन जिस तरह का प्रचार इनका है वो किसी को आगे नहीं होते नहीं देखना चाहते। और बीजेपी में भी ये मुश्किल आ रही है, बीजेपी में जो हमारे मित्र हैं वो भी तंग है और परेशान है, उनको लगता है कि हम कहीं ज़्यादा हम अपनी काम कर लेंगे तो हमारे जो पत्ते काट दिए जाएंगे। तो कोई भी किसी उभरते नेता को बीजेपी में मौका नहीं मिल रहा, इसलिए इंडिया वो एक मंच है जहां हम लोग सम्मिलित होके सबके लीडरशिप को मौका मिलेगा, सबकी बातों को सबके मुद्दों को गंभीरता से लिया जाएगा और आगे हम सब लोग हाथ मिला के चलेंगे। कई बीच में दरारें सर आ रही हैं, कई अखिलेश जी कांग्रेस से वार कर रहे हैं उस तरह से। देखिए ये तो कभी कभी कुश्ती, राजनीतिक कुश्तियां आपस में होती हैं और सबका अपना अपना हित होता है, इसमें कोई बात नहीं, कभी कभी छोटे टकराव आ जाते हैं। राजस्थान में हम कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और पूरे राजस्थान में हालांकि और भी पार्टियां थी जो जिन्होंने समर्थन दिया ताकि 5 साल कांग्रेस की सरकार चली, लेकिन कांग्रेस ने उनको स्पेस नहीं दे पाई, तो सिर्फ लोकदल के साथ ही कांग्रेस ने अलायंस किया है राजस्थान में। आने वाले चुनाव में क्या मैसेज देंगे सर, 2024 किस तरह से मजबूती लेकर जाएंगे? देखिए देश हमारा बहुत बड़ा है, विविधता हमारी देश की ताकत है, देश के संवैधानिक मूल्यों का लाभ हर एक नागरिक को मिले, जो हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा पैदा करके जो ताकतें आगे बढ़ना चाह रही हैं आप देख रहे हैं कि किस तरह से बदतमीजियां होती हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, नज़दीक आएगा, लोगों को भटकाने का प्रयास होगा। राजस्थान में बीजेपी के एक नेता बैठे हैं, भाषण दे रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने कि ये जो गुरुद्वारे हैं ये नासूर हैं, इनको मिटाने के लिए बीजेपी को वोट दें, और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ताली बजाते हैं उस बात को। तो ये सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई है। फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी थे, उनका कहना है कि जिस तरह से आने वाले चुनाव में हम लोग जो मजबूती से लड़ेंगे, भाईचारे के साथ लड़ेंगे और किसानों के हित की बात करेंगे। अब देखना ये कि 2024 के चुनाव में किस तरह से ये परचम लहलाते हैं या इंडिया किस तरह से कामयाब करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जनिस बेबोली के साथ मुजम्मिल दानिश, टीवी 9 भारतवर्ष संभल।